एक वो भी हमारे परिवार थे जिन परिवारों में उस जमाने में मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था। कोई छोटी मोटी बात हो गई, नंद ने, सास ने, ससुर ने दो चार गलत शब्द बोले, यहां तक स्थिति बनी कि गुस्से में पत्र लिखा गया और बेटी ने वो पत्र पिता के घर भेजा। गांव में रहने वाला किसान पिता उत्तर में लिखता है, बिटिया बात तो गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको, लेकिन तुम चिंता ना करना, अभी थोड़ा गेहूं की बवाई हो जाए, हम जरूर आएंगे, चिंता ना करना, दसे दिन बाद आ जाएंगे हम। अब वो पिता फित्र पत्र को वापस भेजता था, वो बेटी का गुस्सा पत्र तो लिखवा देता था, लेकिन जब पिता 10 दिन बाद आता था तो वो बेटी गेट पर मिलती थी और धीरे से पिता के कान में कहती थी, आ गए हो तो वह ठीक लगा है, लेकिन अब कुछ कहना नहीं, सब ठीक है हमारे घर में। ऐसे परिवारों को बनाया जा रहा था, ऐसे माता पिता परिवारों को बना रहे थे, बेटियां परिवारों को सजा रही थी। और आज मुझे कहने में शर्म आ रही है, पूरे दिन मम्मी और पापा वीडियो कॉल पे तमाशे कर रहे हैं, घरों को तोड़ने के प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अरे बेटी कहाँ रह रही है, कोई तकलीफ हो तो आप दखल करिए, पूरे दिन वीडियो कॉल का तमाशा क्या है, उसके घर में क्या बना है क्या नहीं बना है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, ये उसका अपना परिवार है, उसका अपना जीवन है। तो हम बेटी को बनाना नहीं चाह रहे, बल्कि ऐसा बीज बो रहे हैं कि कल वो बेटी कहीं ना कहीं भटक जाए। ये बड़ी परेशानी आजकल आ गई है, पहले हर व्यक्ति मैनेज कर रहा था, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि घर परिवार है तो छोटी मोटी बातें होंगी, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, तो ही तो परिवार बचेगा, तभी तो समाज बचेगा। हम अकड़ में रहेंगे तो कोई नहीं बचेगा। सती मैया को समझाया तो वो पूछ क्यों रही है कि आप हमें यज्ञ में जाना है, इसलिए पूछ रही हैं कि कन्यादान करने के बाद बेटी को पिता के घर में आने जाने की मनाई नहीं है, लेकिन बिना बुलाए कभी नहीं आना है। कोई काम हो, कोई बुलाने गया हो, सूचना आई हो तो जावे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना निमंत्रण के वो जा रही है तो ये परिवार की मर्यादा के विरुद्ध, कोई ने बुलाया हो तो जाओ, क्योंकि आज से उसका घर तो ये हो गया, ये तो बेटी को मना कर दिया शास्त्र ने, आप बिना बुलाए नहीं जा सकती हैं। अब बेटी के पिता को भी शास्त्र ने हिदायत दी, पिता लोगों को बुरा लगेगा लेकिन सुन लो, बेटी के माता पिता से शास्त्र ने कहा, शास्त्र की ना मानने से ही तो परेशानी हो रही, बेटी के माता पिता से कहा कि देखो, अगर बेटी का भविष्य चाहते हो तो कन्यादान करने के बाद बेटी के घर का जल भी ग्रहण नहीं करना है आपको। पुराने लोग बेटी के घर में जल भी ग्रहण नहीं करते थे, तो इसलिए परिवारों में एक सब सामंजस्य चल रहा था, सब अपने अपने ढंग से मैनेज कर रहे थे, लेकिन आज सब हम लोग परंपराएं भूलते जा रहे हैं। पुराने लोगों को देखा, पुराने लोग बिटिया के घर भोजन तो करते ही नहीं थे, पानी नहीं पीते थे, आए कभी कोई जरूरी हुआ तो द्वार पे बैठे रहे, और दुबे जी हुए तो पांडे के घर भोजन किया, पांडे हुए तो त्रिवेदी के घर खाया, लेकिन उसके घर का भोजन नहीं करते थे अभी भी। तो ये जीवन का एक 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 ये एक तरीके थे, किसी तरह परिवार को मैनेज किया जा रहा था। आज सती माता को समझाया लेकिन जब वो नहीं मानी तो देखो परिणाम क्या निकलेगा। आप शांत होके सहज भाव से व्यासपीठ पर आपकी नजर रहे तो हम आपको समझाएंगे इसका परिणाम क्या निकलेगा। देखिए मेरी तरफ, पिता भवन जब गई भवानी दक्षदास काहू न सन मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहने हंसने लगी, सती बिनो की चरे सब गाता, सब देख करके जल गए। सती माता दरवाजे पर पहुंच गई तो दक्षिण कछु
पूछे कुशलता। पिता ने बेटी से कुशलता नहीं पूछी, पिता दरवाजे पे मिला लेकिन पिता ने बेटी से पूछा नहीं। बेटी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ। पंडाल में इतनी बेटियां बैठी हैं, इनमें कोई एक दो बेटियां हैं जो अपनी माँ को प्यार करती हैं, नहीं तो जितनी बैठी हैं माँ से कहीं ज्यादा अपने पिताजी को चाहती हैं। एक दो भाई हैं जो अपने बेटे को प्यार करते हैं, नहीं तो जितने बैठे हैं बेटे से कहीं ज्यादा अपनी बेटी को चाहते हैं। ये भगवान ने ऑटोमेटिक रिश्ता बनाया है, बाप बेटी को बहुत प्यार करता है, बेटी बाप को बहुत प्यार करती है। बेटी इसलिए मायके नहीं आती है कि भाभी हमको पैसा देगी, इसलिए नहीं आती है कि भैया हमको कपड़ा खरीद देगा, वो ये सोच के आती है कि भाभी भले ही ना बोले, भैया भले ही बात ना करे, लेकिन अभी मेरे बाबूजी बने हैं, मैं जब जाऊंगी तो वो हमें गोदी में उठा के पूछेंगे बिटिया कोई तकलीफ तो नहीं है। और जब बाप पूछता है तो बेटी के आंसू सब कुछ कह देते हैं। इसके आंसुओं में बहुत दर्द है लेकिन किसी और के सामने बहा नहीं सकती है, केवल बाप के सामने ही रो सकती है, क्योंकि बाप इसके आंसुओं को पढ़ लेता है, बाप को पता रहता है। एक आंसू का मूल्य बाप समझता है कि बेटी के आंसू क्यों आया, इसलिए बेटी का संबंध बाप से होता है, बाप का संबंध बेटी से होता है। क्षमा करिए हमने आपका मन दुखाया, कितनी बेटियों को बाप की याद आ गई, कितने भाइयों को बेटी याद आ गई। अब आप कितना भी रोना वो आपको कभी मिलेंगे नहीं, इस संसार का नियम है, एक बार इस बाजार में कोई खो गया तो कभी मिल नहीं सकता है, ये नियम इस संसार का है। यहाँ एक बार किसी को भी तुमने खो दिया तो वो मिलेगा नहीं। एक दिन मैं मनन कर रहा था, मैं चिंतन कर रहा था, जब मैंने शब्दकोश को पढ़ा तो मुझे लगा कि शब्दकोश में मायका कैसे लिख दिया। मायका, ये जो मायका शब्द है इसमें मां पहले आता है, जबकि ईमानदारी ये है मायका मां से नहीं होता। ये आपका अनुभव है कि नहीं, मैं तो अनुभव की बात कर रहा हूं। मायका का मतलब मां नहीं होता, मायका का मतलब बाप होता है। एक एक दो चार दस बीस बेटियां मेरे सामने बैठी हैं, उन्होंने मायके जाना स्वीकार किया लेकिन सुबह गई शाम को आ गई, क्यों? केवल मां है, पिता नहीं है, तो वो क्यों नहीं शाम को ठहरती है? उसको एक मन में डर रहता है कि अब जो कुछ है वो भाभी का है, अगर हमने कटोरी भी उठाई तो कहीं भाभी हाथ ना पकड़ ले। अब बाप सामने बीमार भी बैठा रहे तो बोरी उठा के ले जाएगी, उसको लगेगा मेरे बाप का है, कौन रोक सकता है। लेकिन जब बाप नहीं रहता है तो उसको लगता है कि नहीं, हमारी वजह से माँ से कोई कुछ कहने ना पाए, अब तो यहाँ से चलना ही ठीक है, बस हाल चाल लेके चली जाती है। ये बेटी की कथा है, बेटी का दर्द है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि एक बाप बेटी से बोला नहीं, क्या अपेक्षा है बेटी की, बेटी क्या क्या लेने आती है? आपने कल्पना किया, अरे आपने जो कुछ भी दिया उसको हंस करके लेकर के चली गई। अब वो जब भी आती है तो वो ये आकांक्षा लेकर कभी नहीं आती है कि हमें कोई कुछ देगा, हाँ वो एक आकांक्षा लेकर आती है कि हमारा बाप जैसे ही हमें देखेगा तो हमें हृदय से लगा के और एक बार जरूर पूछेगा, बिटिया सब ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो, सब अच्छा है ना, ऐसे पूछेगा। और जब तक वो बाप जिंदा रहेगा बेटी उस चौखट पे कई बार आएगी, और जब बाप दुनिया से चला जाएगा उसी दिन समझ लेगी घर का दरवाजा बंद हो गया, फिर अपने घर में भूखी रहेगी, कभी मांगने नहीं आती है आपके द्वार पे। आज हम लोग सारे रिश्तों को भूल गए, सारे संबंधों को भूल गए, ये ठीक नहीं है। हम भारत के लोग हैं, भारत की संस्कृति में पले हैं, यहाँ के संस्कार हैं जो रिश्तों को बांध करके रखते हैं। आज एक बेटी इतनी आशा से आई, उसे ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा व्यवहार किया जाएगा। अब बेटी से बाप नहीं बोला, दक्षिण कछु
पूछी उस लाता तब सादर भले ही मिली एक माता। आदर के साथ माता भाग करके आई, माता ने बेटी को बाहों में भर लिया। सागर से ज्यादा गहरी है मां, सागर को तो बहुत लोगों ने नाप लिया, रेलवे स्टेशन पर भी सागर की गहराई लिखी होती है, लिखी होती है ना, ये स्टेशन समुद्र से इतनी ऊंचाई पर है, सागर से ज्यादा गहरी है मां किंतु सागर जैसी खारी नहीं। परमात्मा की जननी है मां किंतु परमात्मा जैसी अदृश्य नहीं। मां तो केवल मां होती है, मां की कोई उपमा नहीं होती है। और दुनिया के वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके मां होती है, क्योंकि उससे बड़ा कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है जिनके मां होती है। आप ये कह सकते हैं आचार्य जी क्या कोई दुनिया में बिना मां का होता है? हाँ, होता नहीं है, होते हैं, बैठे हैं पंडाल में, दो चार लोग बैठे हैं, कौन, जिन बिचारों का कर्म भाग्य इतना खराब है, बचपन में मां मर गई, फिर मौसी के घर, मामा के घर, बुआ जी के घर में पाले गए, उन्हें क्या पता होगा मां कैसी होती है। अपनी मां अंधी हो, पागल हो, काली हो, लेकिन जितना प्यार वो करती है उतना कोई सोच भी नहीं सकता है।